चलिए जी, अब इंटीग्रेशन का एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है क्योंकि एक्स माइनस ए है और ऊपर एक्स है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आप पूरा लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी है, जो भी हम अज्यूम करते हैं वो होता है, इज इक्वल टू वन आ जाएगा और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इसका इंतज़ाम तो हमने कर दिया x माइनस ए का। अब जो बचा ऊपर वाला x, क्योंकि अगर नीचे t है तो सारा कुछ t में कन्वर्ट होना चाहिए, जैसा मैंने बताया था कि ऑपरेटर अगर चेंज होता है तो हर एक वेरिएबल चेंज होगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू ए प्लस टी, क्योंकि ये वाला a जब इधर आ जाएगा तो x आ जाएगा। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सो लेट सी, साइन ए प्लस टी अपॉन साइन टी डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको सॉर्ट आउट भी करते हैं। साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी डी टी। हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, साइन ए प्लस बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लेंगे, साइन ए कॉस टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी। सिर्फ यहाँ ये देखने वाली बात है कि डी टी आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा और इंटीग्रेशंस भी अलग अलग हो जाएंगी। अब आप ये देखिए कि साइन ए बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया और अंदर बचा कॉस टी डी टी प्लस कॉस ए बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया और साइन टी कट गया, कॉस ए डी टी। साइन ए कॉस टी, आई शुड राइट कॉट टी, कॉट टी, और कॉट टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो है लॉग मॉड साइन टी प्लस सी वन प्लस कॉज ए तो एज इट इज रह जाएगा, और डी टी की इंटीग्रेशन सिंपल टी प्लस सी टू। अब हम टी की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि थी एक्स माइनस ए, साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस सी वन प्लस सी टू। ये अलग कर लेंगे क्योंकि पता है एक सी बन जाएगा। अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए प्लस एक्स कॉज ए माइनस ए कॉज ए प्लस सी। रीज़न दे देंगे, बिकॉज सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू सी, दैट्स द आंसर। आई होप यू मस्ट हैव इंजॉयड द क्वेश्चन। थैंक यू।